हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरएफआईडी एंड आरएफआईडी स्टैंड्स फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आरएफआईडी इज़ ए फॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक ऑब्जेक्ट्स लाइक बुक्स, व्हीकल्स, मनी, ईटीसी। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन क्या है? ये भी एक टाइप का ही वायरलेस कम्युनिकेशन है जिसमें रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई या ट्रैक करने के लिए। यानी कि अगर इसे बुक में लगा दिया जाए RFID टैग को, देखो, तो उससे क्या होगा कि उस बुक का आइडेंटिफिकेशन और उसकी ट्रैकिंग इजी हो जाएगी। जैसे लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स जो हैं वो बुक को इशू और सबमिट करवाने आते हैं, तो इस RFID कोड के थ्रू जो उसका आइडेंटिफिकेशन है वो इजीली हो जाएगा। यानी बारकोड की जगह हम RFID का यूज़ कर सकते हैं फॉर फास्टर आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिमिलरली व्हीकल्स में भी आपने देखा है कि RFID को यूज़ किया जाता है। जहाँ पर हाईवे पे टोल कलेक्शन बूथ होते हैं वहाँ पर फास्ट ट्रैक टाइप का यूज़ होता है, तो वहाँ पर भी RFID का यूज़ करके टोल्स पे किए जाते हैं। सिमिलरली मनी को भी आइडेंटिफाई और ट्रैक किया जा सकता है RFID को यूज़ करके। RFID यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स टू ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई एंड ट्रैक टैग्स अटैच टू ऑब्जेक्ट्स। तो RFID में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स यूज़ करके रेडियो वेव्स को जनरेट किया जाता है। उससे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स में RFID टैग्स होते हैं, RFID टैग्स के पास जब वो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होती हैं तो उन रेडियो वेव से जो है इजीली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई और ट्रैक कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। RFID कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रैक एनिमल्स एंड बर्ड्स बाई इम्प्लांटिंग RFID टैग्स इनटू देम। तो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को ही नहीं ट्रैक और आइडेंटिफाई कर सकते हैं RFID में, बल्कि हम एनिमल्स और बर्ड्स में भी RFID टैग्स को इम्प्लांट करके उनको इजीली ट्रैक कर सकते हैं। RFID टैग्स कंटेन इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। तो RFID टेक्नोलॉजी में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे या जो बर्ड्स या एनिमल्स होंगे उसमें RFID टैग्स लगे हुए होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होगी। यानी उस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर रहेगी RFID टैग्स में। अब मेन एप्लीकेशंस क्या हैं RFID की? RFID टैग्स आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज। RFID टैग अटैच टू एन ऑटोमोबाइल ड्यूरिंग प्रोडक्शन कैन बी यूज्ड टू ट्रैक इट्स प्रोग्रेस थ्रू द असेंबली लाइन। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ किए जा सकते हैं RFID टैग्स। वो RFID टैग्स जो हैं वो असेंबली लाइन में जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं यानी कि जो पार्ट्स हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनमें RFID टैग्स को लगा के उसकी प्रोग्रेस को फाइंड आउट किया जा सकता है ऑटोमेटिकली। सेकेंड एप्लीकेशन इज पीपल ट्रैकिंग। हॉस्पिटल यूजेस RFID टैग्स फॉर ट्रैकिंग देयर स्पेशल पेशेंट्स यूजिंग RFID टेक्नोलॉजी। इन एमरजेंसी पेशेंट एंड अदर इसेंशियल इक्विपमेंट्स कैन बी ईजीली ट्रैक। तो हॉस्पिटल्स में जो स्पेशल पेशेंट्स होते हैं उनके साथ RFID टैग्स को अटैच कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई या हार्ट अटैक या कुछ इस टाइप की क्रिटिकल कंडीशन आ गई उस पेशेंट की तो उस केस में उसको उसी टाइम ट्रीट करना पड़ेगा डॉक्टर्स को। तो डॉक्टर्स जो हैं उसको उसी टाइम ट्रीटमेंट दे सकते हैं जैसे उसकी जान बचाई जा सके। और जो इसेंशियल इक्विपमेंट्स होते हैं डॉक्टर्स के जिसके थ्रू वो ट्रीटमेंट करते हैं उनको भी ईजीली ट्रैक किया जा सकता है RFID टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट एप्लीकेशन इन एनिमल्स। RFID कैन बी यूजफुल टू ट्रैक द मूवमेंट एंड हेल्थ ऑफ एनिमल्स ऑन ए फार्म। तो फार्म में अगर एनिमल्स हैं उनकी मूवमेंट और हेल्थ को अगर हम ट्रैक करना चाहते हैं तो RFID टैग में इम्प्लांट करके हम उनको ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर सिक्योरिटी ऑफ आइटम्स, इसमें हम ज्वेलरी ट्रैकिंग की बात करें। विथ आइटम लेवल टैगिंग ऑफ ज्वेलरी विथ RFID इट इज़ पॉसिबल टू ट्रैक द ज्वेलरी फ्रॉम फैक्ट्री टू द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड देन टू द स्टोर। जो ज्वेलरी आइटम्स होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि उसकी ट्रैकिंग रखें कि वो चोरी ना हो जाए तो उस केस में हम उन ज्वेलरी आइटम्स के साथ RFID टैग्स को अटैच कर सकते हैं जिससे हम उसकी ट्रैकिंग करते रहें कि वो फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक पहुँची कि नहीं और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से स्टोर तक सेफली पहुँची कि नहीं पहुँची। नेक्स्ट इज लाइब्रेरी सिस्टम। Using RFID tags in books, librarian can scan it from multiple angles which makes the issue and submission of books faster than of a barcode which requires proper positioning and line of sight. तो लाइब्रेरी में भी बुक्स को बुक्स के साथ हम
बारकोड की जगह आरएफआईडी टैग्स के थ्रू आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि आरएफआईडी टैग्स का एक एडवांटेज क्या है कि हम किसी भी एंगल से अगर हम आरएफआईडी टैग ऑब्जेक्ट को स्कैन करते हैं तो भी वो स्कैन हो जाता है। जब भी कोई स्टूडेंट जो है इशू करने आता है बुक या फिर सबमिट करने आता है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर में स्कैन करने से ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी, और वो भी ज़रूरी नहीं है कि सेम एंगल पे रहे, किसी भी एंगल पे अगर उस ऑब्जेक्ट को उस बुक को रखा जाएगा तो भी वो फास्टली स्कैन हो जाएगा और उसकी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगी। जबकि बारकोड में क्या होता है कि हमें प्रॉपर पोजिशनिंग रखनी पड़ती है स्कैनर की बारकोड रीडर के नीचे, तभी वो जो है उसको स्कैन कर पाता है प्रॉपरली, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आती है। तो जैसे अगर आप शॉपिंग मॉल में भी जाते हो तो जब वो आइटम्स को बारकोड के थ्रू रीड कर रहा होता है तो वो उस मशीन के बारकोड रीडर के जस्ट नीचे उस बारकोड को रखता है, प्रॉपर पोजीशन पे रखता है, तभी वो उसको प्रॉपरली स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर करवा पाता है। तो ये मेन एडवांटेज है आरएफआईडी टैग, आइटम को किसी भी एंगल पर रख सकते हो। नेक्स्ट इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग द मटेरियल्स फॉर द सेल ऑफ एन प्रोडक्ट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये सारे काम होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की मॉनिटरिंग करनी हो, कंट्रोल करना, उसको स्टोर कहाँ करना है, जो मटेरियल्स हैं कौन से सेल में जाने हैं, तो ये सारे फंक्शंस जो हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में परफॉर्म होते हैं किसी भी इंटरप्राइज में। सेवरल आर एफ आई डी टैग आइटम्स कैन बी स्कैंड एट अ टाइम, सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ आर एफ आई डी हेल्प टू स्पीड अप द इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेस एंड रिड्यूज ह्यूमन एरर्स, दस प्रोवाइडिंग हाईली एक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। इन्वेंट्री में तो क्या होता है, बहुत सारे आइटम्स होते हैं तो उनको अगर एक एक करके स्कैन किया गया तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उनको स्कैन करने के लिए ऑब्जेक्ट्स में आर एफ आई डी टैग्स लगाए जाते हैं, क्योंकि आर एफ आई डी रीडर जो है वो मल्टीपल आर एफ आई डी टैग्स को एक साथ स्कैन कर सकता है। तो उस केस में क्या होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेस है वो फास्टर हो जाएगी और एरर्स भी कम होंगे, और जिससे एक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को हम मेंटेन कर पाएंगे। नेक्स्ट इज लॉन्ड्री ऑटोमेशन, इन लार्ज कंपनीज वेयर दे हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ एम्प्लॉय यूनिफॉर्म्स, आरएफआईडी कैन बी यूजफुल इन क्रिएटिंग अ लॉन्ड्री मैनेजमेंट सिस्टम। इट कैन ट्रैक the uniform that were assigned to an employee, the number of times it was washed, age of uniforms and identifies the missing uniform. तो अगर कोई लार्ज कंपनी है जहाँ पर हर एम्प्लॉय को एक यूनिफॉर्म दी जाती है तो उस केस में क्या होगा कि जो यूनिफॉर्म्स हैं उनके मैनेजमेंट के लिए वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं, और उसमें क्या होता है आरएफआईडी का यूज़ किया जाता है। हर यूनिफॉर्म के साथ जो है आरएफआईडी टैग को अटैच कर दिया जाता है, जिससे क्या हो कि ये ट्रैक किया जा सके कि कौन सी यूनिफॉर्म जो है कौन से एम्प्लॉय को असाइन की गई है, कितनी बार वो यूनिफॉर्म वॉश हुई है, उसकी एज क्या है, और कोई अगर यूनिफॉर्म मिस हो गई है तो उसको ईजिली ट्रैक किया जा सके। नेक्स्ट एप्लीकेशन RFID in document tracking. RFID enables high speed identification of documents, track and trace of documents. तो किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आप चाहते हो कि वो ईजिली आइडेंटिफाई हो जाए तो उस केस में आप उन जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप चाहते हो कि उन्हें ईजिली ट्रैक किया जा सके तो उन पर आप RFID टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो, जिससे उसको फास्टर वे में ट्रैक और ट्रेस किया जा सके। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इन डिफेंस, RFID कैन यूज फॉर ट्रैकिंग वेपन मूवमेंट एंड सोल्जर्स मूवमेंट ट्रैकिंग। तो RFID को हम डिफेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें किसी भी वेपन की लोकेशन या मूवमेंट को अगर हमें फाइंड आउट करना है या सोल्जर्स की मूवमेंट को ट्रैक करना है तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। RFID टैग यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन एट हाईवेज, तो हाईवेज पे जो टोल कलेक्शन होता है उसको ऑटोमेटिकली करने के लिए RFID टैग जो है वो व्हीकल्स पे लगाए जाते हैं, जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन इजीली हो सके और उसका जो अमाउंट है टोल का वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए यूज़र के बैंक से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए RFID सिस्टम एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ RFID सिस्टम।